हाय गाइस, वेलकम टू करी विद कमल। तो देखिए हमारी चिकन करी कितनी सुंदर दिख रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसकी कंसिस्टेंसी की तो बात ही क्या है। देखिए कितनी लबाबदार बनी है ये। तो चलिए आज देखते हैं ये कैसे बनती है। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन को वॉश करके ले लिया है। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट कर देंगे। तो मैंने इसमें एक नींबू का रस ऐड कर दिया है, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर भी मिर्च अदरक लहसुन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ में ही हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, रंग के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आपका चिकन मसाला कितना तीखा है उस हिसाब से ऐड कीजिए। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया काफी सारा ऐड करेंगे, 1/2 कप यानी 100 ml जितना फेटा हुआ दही ऐड कर देंगे। अब हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढककर 1/2 से 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने एक पैन में 5 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल के गरम होते ही हम इसमें 5-6 लौंग और 4-5 काली मिर्च ऐड कर देंगे। साथ में ही हम इसमें 2 बड़े प्याज एकदम बारीक कटे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सॉटे करेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखिए हमारे प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हल्के से जल भी चुके हैं, पर ऐसे हल्के से जले हुए प्याज का फ्लेवर चिकन में बहुत अच्छा आने वाला है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में ही हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम प्याज को और चिकन को 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, जब तक के इसका तेल अलग नहीं हो जाता और दही की कच्ची स्मेल नहीं चली जाती। ये हमने चिकन को 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लिया है। ये देखिए इसमें से तेल भी अलग हो चुका है और दही भी बहुत अच्छे से पक चुका है, इसकी कच्ची स्मेल भी चली गई है। तो अब हम इसमें 1.5 कप यानी 300 ml जितना पानी ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने चिकन को कवर करके 20 मिनट तक पका लिया है, बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहे थे। देखिए ये हमारी चिकन करी बनके रेडी है, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम पे आप इसमें नमक चेक कर लीजिए और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए रेडी है हमारी स्वादिष्ट लबाबदार चिकन करी। यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी बनेगी कि अगर आप इसे एक बार बना के खा लेंगे तो और कोई चिकन करी खाना आप पसंद नहीं करेंगे। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।